अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। आज हम लाए हैं आलू से मैं बनाऊंगी वाइटनिंग क्रीम। तो ये बहुत अच्छा है, इसे पूरी वीडियो देखिएगा और इंग्रेडिएंट्स में डालती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इससे आपकी स्किन फेयर होगी, दाग धब्बे दूर होंगे और स्किन ग्लो करेगी। मैंने 3 आलू लेकर बांध लिया था, लेकिन मैं इन चारों की नहीं बनाऊँगी, सिर्फ एक पीस की बनाऊँगी, आधा आलू की बनाऊँगी। तो हम यहाँ सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी दही 1.5 टेबल स्पून, ये देखें हमने मैश कर लिया, ये हमने कर लिया। और मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा 1 टेबल स्पून, मसूर की दाल का पाउडर ये भी 1 टेबल स्पून है, विटामिन ई ऑयल 4 से 5 कतरे। मैं इसे डालूंगी इसके अंदर और इसे हम पीस लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसी बोल में निकाल लूंगी, ये देखें कि देखिए जी पेस्ट बन गया। थोड़ा सा मुझे इसको पतला करना है, तो मैं इसमें दही मिलाऊंगी। हम इसको इतना फेंटेंगे कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये देखें अब ये बिल्कुल क्रीम की तरह लग रहा है। ये हमारा रेडी है। अगर आप लोगों का गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं या फिर रोज़ वाटर, रोज़ वाटर मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसे लगाऊंगी पूरे फेस पे, मैं हाथ पे करके बता रही हूँ, आप लोग इसे पूरे फेस पे कीजिएगा। इसमें मैंने आलू डाला है, आलू नेचुरल ब्लीच के काम करता है, स्किन को फेयर करता है, दाग धब्बे रिमूव करता है। मसूर की दाल का आटा डाला है, वो स्किन को डेथ स्किन को दूर करेगा, स्किन को फेयर करेगा, दाग धब्बे रिमूव करेगा और फेयर स्किन करने में हेल्प करता है। एलोवेरा डाला है, एलोवेरा से आपकी स्किन फेयर होती है, दाग धब्बे दूर होते हैं, स्किन क्लियर होती है और मॉइस होती है। दही, दही से स्किन मॉइस होती है, फेयर होती है, दाग धब्बे दूर होते हैं। विटामिन ई ऑयल ये भी बेस्ट है स्किन के लिए और इससे स्किन क्लियर होती है, दाग धब्बे भी दूर होते हैं। इसको हम 2 मिनट मसाज करेंगे। ये हमने 2 मिनट मसाज किया, मैं इसे छोड़ दूंगी कम से कम 10 मिनट, 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये ड्राई हो गया और ये इसे मैंने 10 मिनट छोड़ा था, ये हल्का ड्राई हो गया है। मैं इसे मसाज करूंगी ताकि हमारी जो डेथ स्किन है वो इससे दूर हो जाए और स्किन हमारी फेयर हो जाए, दाग धब्बे ऐसे करने से रिमूव हो जाते हैं और स्किन फेयर होती है। और जो स्किन पे लाइंस वगैरह पड़ती हैं, फाइन लाइंस वगैरह, वो भी इससे क्लियर हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं और दाग धब्बे दूर होते हैं और पिगमेंटेशन वगैरह आलू से दूर जाती है। तो इसे 1 से 2 मिनट करें, फिर उसके बाद मैं आपको धो के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमने कर लिया, मैं इसे धो के दिखा, ये देखिए जी हमने हाथ धो लिया, ये वाला देखें और ये देखें, मैं इसे साफ कर लेती हूँ। ये वाला हाथ देखें और ये वाला देखें, फर्क साफ लग रहा है। और इसे ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और ये बनाएं। बनाने के बाद इसे फ्रिज में रख दें, 2 से 3 दिन ये चल जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा बनाएं, दोबारा बनाने के बाद फिर वो भी आप 2 से 3 दिन से ज़्यादा इसको नहीं यूज़ कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज उसे लाइक कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स, वहाँ पर भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो ये बहुत अच्छी क्रीम है आलू की जो मैंने बनाई है, और इसे लगाएं, लगाने के बाद जैसे मैंने किया वैसे कीजिए तो आपको खुद फर्क साफ लगेगा। इससे आपकी स्किन फेयर होगी, दाग धब्बे दूर होंगे, स्किन क्लियर होगी। और ज़रा सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।